हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मेरिडियन ओवरसीज़। आज हम बात करेंगे जो स्टूडेंट्स आर्किटेक्ट बनना चाहते हैं, जो आर्किटेक्चर का कोर्स इंडिया से या अपनी होम कंट्री से कर चुके हैं और यूके का अगर प्लान कर रहे हैं तो कौन सी यूनिवर्सिटी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है फ्रेंड्स, जिस कॉलेज की आज हम बात करने जा रहे हैं वो सबसे पुराना कॉलेज है यूके के अंदर, ग्रेट ब्रिटेन के अंदर, जो कि आपको आर्किटेक्चर का कोर्स देता है। इसका नाम है फ्रेंड्स आर्किटेक्चरल एसोसिएशन स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर, यानी कि ये लंदन के अंदर सबसे पुराना स्कूल है और साथ में 1890 के अंदर ये एस्टेब्लिश हुआ था और उसके बाद में लगातार ये आर्किटेक्ट्स दिए जा रहे हैं अपनी कंट्रीज़ को। अलग अलग स्टूडेंट्स यहाँ से पे पढ़ने आते हैं पूरी दुनिया से और इसके बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है फ्रेंड्स कि इसके अंदर जितने लोकल स्टूडेंट्स हैं उससे कहीं ज़्यादा नंबर ओवरसीज स्टूडेंट्स का है। बाहर से ज़्यादा स्टूडेंट्स यहाँ आर्किटेक्चर का कोर्स करना चाहते हैं, लेकिन जहाँ पे सबसे बड़ा इशू आता है वो ये है कि इस कॉलेज के अंदर जो एक्सेप्टेंस रेट है, यानी कि जो स्टूडेंट्स की एडमिशन रेट है, वो सिर्फ 10% या उससे भी कम है। यानी कि अगर 100 एप्लीकेशंस आती हैं तो सिर्फ 10 ही बच्चों का एडमिशन हो पाता है। कुछ फैक्ट्स हम इस वीडियो में बताएंगे इस कॉलेज के बारे में। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि फीस जो है फ्रेंड्स वो है 22,000 पाउंड से स्टार्ट होती है और मैक्सिमम 36,000 पाउंड पर ईयर तक अलग अलग लेवल ऑफ कोर्सेज के अलग अलग फीस है और सिर्फ आर्किटेक्चर से रिलेटेड आपको इसमें कोर्सेज मिलेंगे और कोई भी कोर्सेज इस कॉलेज के अंदर नहीं है। इसके अलावा स्कॉलरशिप की जहाँ तक बात है, इसमें डिफरेंट स्कॉलरशिप्स चलती हैं, तो आप किसके लिए एलिजिबल होते हैं वो बहुत डिफ़िकल्ट है पता कर पाना जब तक कि आपके असेसमेंट के लिए हमारे पास एप्लीकेशन नहीं है। तो आप हमें एप्लीकेशन भेजेंगे तो हम आपको बता सकते हैं कि कौन से स्कॉलरशिप का आपको बेनिफिट मिल सकता है। इसमें एंट्री क्राइटेरियाज जो है वो मिनिमम रखे हुए हैं, लेकिन एंट्री क्राइटेरिया सिर्फ इसलिए कि आप एप्लीकेशन भेज सकते, यानी जो प्रोसेस है सिलेक्शन का वो काफी लेंथी है। तो 60% मार्क्स आपको चाहिए 12th में या बैचलर्स के अंदर एप्लीकेशन करने के लिए, साथ में आपको आईएलटीएस चाहिए और आपका बहुत स्ट्रॉन्ग एक पोर्टफोलियो चाहिए, जो कि अगर आपने बैचलर्स कर रखी है तो वो पोर्टफोलियो होने के बाद ही आपका इसमें एडमिशन हो सकता है। और साथ ही फ्रेंड्स, इस कॉलेज की जो है वो वर्ल्ड रैंकिंग या किसी भी तरीके की रैंकिंग आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि ये कॉलेज रैंकिंग्स के अंदर जो है अपना इनपुट नहीं देता है। QS या टाइम्स हायर एजुकेशन किसी के अंदर भी ये अपना इनपुट या डेटा उनके साथ शेयर नहीं करते हैं, क्योंकि सबसे पुराना और वैसे ही रिकग्नाइज्ड वेल रेप्यूटेड इंस्टीट्यूशन ये है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि आप आर्किटेक्ट का कोर्स करें तो ये कॉलेज आपके लिए बेस्ट है, लेकिन आपके पास वो क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, वो एंट्री रिक्वायरमेंट्स आप मीट करनी चाहिए, आपके अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए जिसकी वजह से इसमें एडमिशन हो सके। लेकिन अगर आपको इस कॉलेज के अंदर एडमिशन में कोई किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए तो आप www.meridian.org पे जा सकते हैं, लाइव वीडियो काउंसलिंग ले सकते हैं हमारे काउंसलर से और इस कॉलेज के अंदर अपनी एप्लीकेशन करवाने में पूरी हेल्प हम आपकी करते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, और ऐसे ही कंटिन्यूस वीडियोज़ आपको मिलते रहे उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। अगर आप टॉप काउंसलर से कनेक्ट करना चाहते हैं, लाइव अपनी काउंसलिंग चाहते हैं, तो आप डायरेक्टली वेबसाइट पर जा सकते हैं, अपने किसी भी काउंसलर के साथ आप डायरेक्टली एप्लीकेशन करवा सकते हैं, वीज़ा फाइल सबमिशन करवा सकते हैं। तो वेबसाइट विजिट करें और अपना रजिस्ट्रेशन करें ताकि आपकी सारी प्रोसेस स्मूथ रहे।